Here it is, guys. Holy Cross School. Wow. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज है 4 नवंबर और आज हम जा रहे हैं होली क्रॉस स्कूल, क्योंकि आज है गोल्डन जुबली। तो अभी चलते हैं प्रीतम के घर पे और प्रीतम के घर से जाएंगे हम होली क्रॉस स्कूल। Going to Holy Cross School for Golden Jubilee, but I don't have the uniform. Uniform is white t-shirt and blue jeans. Mera hai black t-shirt aur grey jeans. I am the odd one out. Guys, we are back at our second home, Holy Cross School. Look at this beautiful entrance. Why? Entrance tapo rose. Wow. Here it is, guys. Holy Cross School. Wow. ये हमारे स्कूल के बिशप हैं। अभी जा रहे हैं, प्रोग्राम कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है गाइस। दिस इज द पार्किंग हमारे बिग फील्ड के पीछे, ये है रहा पार्किंग। और ये पता नहीं क्या है, कि एक्स्ट्रा रूम बनाया गया है यहाँ पे, कुछ है शायद कैंटीन वेंटीन वगैरह कुछ होगा। तो गाइस चलिए, अब आ गए हैं जब होली क्रॉस स्कूल। यहाँ पे पूरी बचपन हमारी घटी है, 14 साल यहाँ पे पढ़े हम लोग, 14 ईयर्स हमने यहाँ पे बिताए हैं। स्कूल से एक अलग ही लगाव हो गया है हमारा, और 7 साल के बाद आए हो गाइस यहाँ पे, और काफ़ी मतलब अलग ही फीलिंग है यहाँ पे। मतलब क्या मज़ा आ रहा है गाइस, 7 साल के बाद यहाँ पे पाँव रखा हो, मतलब सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ सेम रहा है, बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। चलिए आपको दिखाते हैं, अब मेरे बचपन से अब स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ा हूँ, कहाँ कहाँ मेरे क्लासेस थे, तो पूरा आपको दिखाऊँगा अभी। तो गाइस ये है हमारा बस स्टैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बसेस हैं। ये हमारे काकू हमारे होली क्रॉस स्कूल के, काफ़ी सारे बसेस हैं। भाई साहब बहुत सारे बसेस हैं, मेरे जाने के बाद, हमारे निकलने के बाद बहुत सारे बसेस ऐड हुए। तो जब हम लोग पढ़ते थे तब 17-18 बसेस थे, अभी मुझे नहीं मालूम, आई थिंक 40 बसेस है, तो डबल हो गया है गाइस। स्कूल बड़ा हो रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बस तो चाहिए ना। तो अभी चलते हैं हम आगे, हमारा जो 8 के बाद जहाँ पे हम पढ़ते थे वहाँ पे आपको दिखाते हैं। क्लास 8 के बाद हम, ये जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये अभी एंड्रे ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा है एंड्रे ब्लॉक से। काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है ये वाला पूरा सा, तो उसका एंट्रेंस यहाँ से है, और वहीं पे होता था लाइब्रेरी हमारा। और हम क्लास 9 में हम यहाँ पे थे नीचे, और क्लास 10th में हम थे वहाँ पे ऊपर में, और उस तरफ टॉयलेट थी। तो काफ़ी यहाँ पे मेमोरीज़ भी है हमारी 9 और 10th की, बहुत मज़ा आया गया इस स्कूल में। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारे जाने के बाद बना है, नया बिल्डिंग है। तो यहाँ पे पहले पुराना बिल्डिंग हुआ करता था, जहाँ पे हम क्लास 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 तक हम वहाँ पे पढ़े थे। एक्चुअली ये अभी नया है, जब हम लोग थे तो ये नया बिल्डिंग नहीं थी, ये पुराना बिल्डिंग था छोटा सा। काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग है, अभी तो बहुत सुंदर बना लिया गाइस। पहले मतलब नॉर्मल था, अभी बहुत सुंदर इसको रीडिज़ाइन करके बनाया गया है और आपको सामने दिखाते हैं वहाँ पे अभी जाके। तो गाइस हमारे काफ़ी जो काकूस हैं, बस ड्राइवर्स हैं, वो सब हमें पहचानते हैं। काफ़ी मैं फेमस था भाई स्कूल में, मतलब इतना फेमस था ना, मतलब बहुत फेमस था, मतलब पूछो ही मत। नून शिफ्ट के जितने भी टीचर्स थे, सब मुझे जानते थे। बस ड्राइवर, गेट कीपर, सब मुझे जानते थे। कैंटीन वाले आप पूछ लो, ऑफिस वाले तक भी मुझे जानते थे, क्योंकि भाई मैं एक ऐसा स्टूडेंट रह चुका हूँ, मतलब क्या बताओ, बहुत ही फेमस, मतलब वर्ल्ड क्लास फेमस। प्रिंसिपल्स ऑफिस में हर महीने एक दिन मेरा सीट बुकिंग रहता था, मतलब क्लास में अगर कुछ भी होता था तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता था कि इसने ही किया होगा। एक बार तो एब्सेंट भी था, फिर भी उसी दिन मेरा नाम लिया था, मतलब इतना फेमस था। किसी ने गलती किया तो वो मैं ही करता हूँ। एनीवेज आपको दिखाते और भी, और काफ़ी यहाँ पे देखिए जो है पेंटिंग यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ही नया। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये मार्शल ब्लॉक, मार्शल ब्लॉक में आपको घुमाते हैं। ये तो गाइस अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैं क्लास 1 से 8 तक कहाँ पे पढ़ा था। तो काफ़ी मतलब ये पुराना बिल्डिंग है और जो बहुत पहले एक्चुअली बनाया गया था, ये अभी मतलब नया बनाया गया इस बिल्डिंग को, काफ़ी मतलब नया हो चुका है ये जगह। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सब कुछ बदल गया है। ये जो भी बिल्डिंग बनाया गया था ये पहले था ही नहीं, ये जगह इतनी बड़ी थी ही नहीं। एक्चुअली ये जगह यहाँ तक थी छोटी सी, और यहीं पे असेंबली स्क्वायर हुआ करता था हमारा, तो हम लोग यहीं पे असेंबली पे प्रेयर वगैरह पढ़ते थे। और ये बिल्डिंग था, ये नहीं था उस वक्त। तो ये है मोरो ब्लॉक, ये है मार्शल ब्लॉक, और यहाँ पे असेंबली स्क्वायर हुआ करता था छोटा सा, और यहाँ से नीचे उतर के जो बाकी सारा ब्लॉक है वहाँ पे वो करता था। तो यहाँ पे एक और ब्लॉक हुआ करता था, उसको तोड़ के अभी ये बनाया गया है, बहुत ही बड़ा असेंबली स्क्वायर बनाया गया है। काफ़ी मतलब स्टेडियम जैसा फीलिंग आ रहा है गाइस। देखिए अभी पंखे देखिए कितने बड़े बड़े भाई। तो गाइस आपके सामने जो ब्लॉक है यहाँ पे, वहाँ पे था मेरा क्लास 3 और 4 का, और यहाँ पे मतलब 4, 5 और 7 पढ़ा था मेरे साथ, याद नहीं है उतना, बहुत याद नहीं आ रहा है, 7 साल हो गए गाइस, क्या याद रहेगा। और नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, बच्चे लोग मस्ती करते हुए। यस यस यस, हेलो, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल क्लास 7। थैंक यू फॉर कम, व्हिच क्लास 7 7 7। आई एम, व्हाट इज योर नेम? अंकित कुमार रॉय। आई एम थैंकिंग अंकित कुमार रॉय टू टेक अस इन हिज ब्लॉग। यस, दे आर ऑलरेडी इन माय ब्लॉग। यू गॉट होल सपोर्ट फ्रॉम हरिकृष्ण स्कूल, डोंट वरी। आई केम हियर आफ्टर 7 इयर्स, आई केम हियर आफ्टर 7 इयर्स एंड लॉट हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हमारे टीचर्स जो है पुराने टीचर्स सब मुझे पहचानते हैं, तो देखते ही मतलब बोलते हैं अरे अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये बातचीत हो गया सबके साथ, टीचर्स स्टूडेंट्स जो सीनियर्स थे, जूनियर्स भी कुछ पहचान गए। आप कह लें कि 90% जो लोग हैं, 90% टीचर्स, 90% जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं स्कूल के, सब मुझे पहचानते हैं, मतलब मैं फेमस हो गया। और यहाँ पे सरदार, अरे ब्लॉगर भाई, चुट्टी मोटा, वेरी गुड, कीप इट अप। हमारे पार्टिसिपेंट्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रेडी डांस करने के लिए। यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है गाइस। और गाइस ये जो रूम था ये पहले था क्लास, सॉरी स्टाफ रूम था ये टीचर्स का। तो यहाँ पे जो पुराना बिल्डिंग था अभी तो ये नया हो गया, अभी यहाँ पे KG-1 ही बना दिया गया। गाइस यकीन नहीं हो रहा है गाइस, सपने में देखता था जब से स्कूल से निकला हूँ, सिर्फ सपने में देखता था स्कूल को। आज बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मैं अपने आंखों के सामने स्कूल को देख रहा हूँ, मतलब यादें ताज़ा हो गई गाइस, पुरानी यादें, मज़ा आ गया गाइस, क्या ही फीलिंग है भाई, अनबिलीवेबल फीलिंग है गाइस।
अलग ही लग रहा है भाई यहाँ पे आके, मतलब क्या बताऊँ। और ये यहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे हम पढ़ते थे KG 1 KG 2 में, हम यहाँ पे थे और यही ब्लॉक था हमारा। तो अभी पता नहीं ये क्या है, ये इसको चला काम, इसमें पढ़ाई होता भी है नहीं, नहीं मालूम। और सॉरी गाइज, ये अभी है बीएड कॉलेज, हाँ अभी याद आया मुझे, ये बीएड कॉलेज है। और यहाँ से गाइज व्यू ही अनबिलीवेबल व्यू है गाइज, भाई साहब कहाँ आ गए हम। और बच्चे लोग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, नर्सरी के हैं शायद, नर्सरी या फिर KG 1, नन्हे मुन्ने। इनमें से कुछ टीचर्स को मैं पहचानता हूँ जो ऑलरेडी थे, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जब मैं था, और कुछ चेंज हो गए। तो अभी आपको दिखाते हैं मेरा नर्सरी ब्लॉक, मैं जहाँ पे नर्सरी में पढ़ता था वहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, और यहाँ पे सॉरी ये बैडमिंटन कोर्ट है, आई एम सॉरी, और ये बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे छोटा सा। ये हमारा स्पोर्ट्स रूम था, ये नर्सरी ब्लॉक, और वो हमारा पुराना नर्सरी ब्लॉक था जहाँ पे मैं अपना बचपन गुजारा था, स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूल लाइफ, वहाँ से स्कूल लाइफ शुरू हुआ मेरा, नर्सरी ब्लॉक। हाँ तो गाइज आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, और अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे द गोल्डन जुबली प्रोग्राम। तो इस ब्लॉग में सिर्फ आपको दिखाया कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ा था, मतलब पूरा स्कूल का मैंने आपको तोड़ दे दिया। तो अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे गोल्डन जुबली का पूरा प्रोग्राम। तो ब्लॉग को यहीं पे करते ख़त्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अभी भी Come to Dubai.